हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल सरकारी जॉब ज्ञान पे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डीएसएसपी रिक्वायरमेंट के ऊपर। दिल्ली में आ रही है पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के 26,000 पदों पे भर्ती। तो दोस्तों, ये आपके लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ है। तो दोस्तों, आप इसको समझ ही सकते हैं कि ये आपके लिए कितनी बड़ी न्यूज़ है। जिनका इस बार डीएसएसबी में कट ऑफ में नाम नहीं आया, तो उनके लिए बहुत बड़ी खबर है। तो उनका वो उन्हें का पूरा पूरा चांसेस है। तो दोस्तों, आप अपनी तैयारी में फिर से लग जाइए जोश और जुनून के साथ कि आपका दोबारा से इसमें सिलेक्शन हो सकता है। तो दोस्तों, हाँ, ये बिल्कुल सच खबर है, जो आपके 26,000 पदों के ऊपर वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर बने रहिए, हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आपको हम ऐसी नोटिफिकेशन लाते रहे और आपको पल पल की अपडेट देते रहे हम इसके बारे में, डीएसएसबी रिक्रूटमेंट के बारे में। तो दोस्तों, आपको पूरी जानकारी मिलेगी यहाँ पे, तो बने रहिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ताकि आपको यहाँ पे पूरी जानकारी मिल सके। जैसे कि दोस्तों, हम चलते हैं, ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें आप देख सकते हैं दिल्ली में 26,000 शिक्षक भर्ती करें हाई कोर्ट। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हाई कोर्ट ने दिल्ली अधीन सेवा चयन बोर्ड डीएसएसबी को दिल्ली सरकार के स्कूलों में 20,000 और निगम के स्कूलों में 6,000 शिक्षकों के खाली पदे भरने का निर्देश दिया। इस मामले में ज़रूरी कार्रवाई कर सरकार निगम को रिपोर्ट देने को भी कहा। मामले की अगली सुनवाई 1 मई को होगी। जस्टिस नजीम बजीरी ने एनजीओ सोशल जुडिस्ट और याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा है कि अतिरिक्त 10,593 शिक्षकों की भर्ती के लिए डीएसएसबी विज्ञापन जारी करे और दिल्ली सरकार अपने स्कूलों में सीधी भर्ती के जरिए 20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति करे, 15,000 शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया शुरू करे, जो भी निर्देश किए। और दोस्तों, आप अगला आर्टिकल भी देख सकते हैं, जो यहाँ पे शिक्षकों के पदों को भरे सरकार। यहाँ पे देख सकते हैं, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार व डीएसएसबी सहित निगमों को निर्देश दिया है कि वे रिक्त पड़े प्रधानाचार्य के 747 पद, शिक्षकों के 20,000 पद व निगम स्कूलों के 6,000 पदों को जल्द भरे। न्यायमूर्ति नजीम बजीरी ने सरकार, बोर्ड व निगमों से आगे कार्रवाई की स्थिति रिपोर्ट दाखिला करने को कहा है और सुनवाई को 1 मई के स्थगित कर दी गई है। कोर्ट ने यह निर्देश अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में सुनवाई करते हुए दिए। उन्होंने डीएसएसबी से कहा है कि वे अतिरिक्त 10,593 शिक्षकों की भर्ती के लिए शीघ्र विज्ञापन जारी करें। दिल्ली सरकार भी अपने स्कूलों में 20,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती करे, साथ ही 15,000 शिक्षक के पदोन्नति की शीघ्र प्रक्रिया शुरू करे और अगला पद दे। कोर्ट ने, ये तो देख सकते दोस्तों, आप यहाँ पे आपके लिए बहुत बड़ी खबर आई है। दिल्ली हाई कोर्ट व सरकार व डीएसएसबी सहित निगमों को दिए निर्देश। तो यहाँ पे दोस्तों, आप देख सकते हैं शिक्षकों की बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है डीएसएसबी के द्वारा। तो आपके लिए बहुत बड़ी अपडेट है, आप अपनी तैयारी में लग जाइए एग्ज़ाम को अच्छी तरह, कि आपका जो कट ऑफ में नाम आ जाए, जो अब तक जो आपका कट ऑफ में नाम नहीं आया था वो अब आपका कट ऑफ में नाम 100% आ जाएगा। तो ये दोस्तों आपके लिए बिल्कुल बहुत बड़ी अपडेट आई है। और दोस्तों, आप हमें बिल्कुल अप टू डेट रहना चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक और टेलीग्राम ग्रुप से भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आप फेसबुक पर जैसे ही सर्च करोगे नॉलेज K31, तो आपको हमारा पेज सामने मिल जाएगा, जहाँ पर 15,000 से ज़्यादा छात्र हमारे साथ अभी तक जुड़ चुके हैं। और आप हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे 1,000 से 1,000 के करीब छात्र हमसे जुड़ चुके हैं अब तक। तो दोस्तों, ये थी आपके लिए बहुत बड़ी लेटेस्ट, जो 26,000 पदों पे वैकेंसीज आई है डीएसएसबी में आने वाली है, उसकी हम पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे कि कब वैकेंसी आने वाली है, कब आपका एग्ज़ाम होगा, क्या पैटर्न हो सकता है आपके लिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हम आपको यहाँ से पल पल की अपडेट देते रहते हैं। आशा करते हैं कि आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि उन्हें भी पता लग सके कि डीएसएसबी में 26,000 पदों पर भर्ती होने वाली है। तो दोस्तों, यही था आज की वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।